YouTube फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है विंटर मास्क के ऊपर, इसके बेशुमार फायदे हैं। सर्दियां आ गई हैं, ड्राइनेस शुरू हो गई है, ड्राई पैचेस यहाँ पे आना शुरू हो गए। मेरे तो ना यहाँ नाक यहाँ से बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और जब यूं करके करती हूँ ना तो ड्राइनेस के वो क्या कहते हैं, बुरबुरे से थोड़े थोड़े जर्रे जर्रे उतरते हैं, और फिर बाद में उस पर जलन भी बहुत ज्यादा होती है कुछ भी लगाए। इससे आप लोगों की ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी, आप लोग को बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, तो फाइन लाइंस खत्म होंगी, मॉइस्चराइज होगी स्किन, ब्राइट होगी सर्दियों में, क्योंकि अक्सर लोगों की स्किन ना सर्दियों में डल हो जाती है खुश्की की वजह से। अगर आप लोग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे ना, डेली मॉइस्चराइजर लगा के सोएंगे, तो आप लोगों की स्किन डल नहीं होगी, हमेशा ब्राइट ही रहेगी। ठीक, बाकी जी एक और बात कर लेते हैं। जो लड़कियां कहती हैं प्रेगनेंसी में गर्दन बहुत ज्यादा डल हो रही है या हमारे नकल्स बहुत ज्यादा डल हो रहे हैं, मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा था, ग्लूटाथायोन के कैप्सूल होते हैं, एक होते हैं पाउडर वाले और एक होते हैं लिक्विड वाले, कोई भी आप लोग ले लें, इम्पोर्टेड ले लें, लोकल ले लें, या कोई भी आप लोगों को मिले ना, खुले वाले भी होते हैं, डब्बी में भी होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी मॉइस्चराइजर जो लगाते हैं उसके अंदर एक कैप्सूल डाल लें। अगर पाउडर डालना है तो पाउडर आपको थोड़ा डालना पड़ेगा, क्योंकि वो पाउडर थोड़ा सा जम जाता है और फिर वो सही तरह रब नहीं होता। लोशन वाले मिल जाए, वो जो लिक्विड वाले होते हैं तो ज्यादा अच्छे, वो लगा के गर्दन पे आप लोग मसाज कर लें, ठीक है, और सो जाए। सुबह उठ के स्क्रब के साथ गर्दन को धो लें, तो आप लोग की गर्दन में प्रेगनेंसी में काली नहीं होगी, बिल्कुल भी काली नहीं होगी। और ये मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा है, बिल्कुल सेफ है, हम खा नहीं सकते, हम लगा सकते हैं, ठीक है, खाना नहीं है, खाना तो प्रेगनेंसी के अलावा भी सेफ नहीं है। ग्लूटाथायोन के मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है, आप इसके जो कैप्सूल होते हैं इसके बारे में रिव्यू करें, खाना बिल्कुल नहीं है, लगा आप लोग सकते हैं, हफ्ते में एक दफा लगा लें या दो दफा लगा लें या तीन दफा लगा लें, लेकिन हमने खाने नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमें पानी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। एक कैप्सूल के बाद हमें तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी के पीने पड़ते हैं, बहुत हैवी कैप्सूल होते हैं, हर कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि देखो एक वाइटनिंग वो चीज दे रहा है ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो हम मुंह पे लगा लेंगे, गर्दन पे लगा लेंगे, पांव पे लगा लेंगे, हाथों पे लगा लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हम लोशन के अंदर मिक्स करके, ठीक है। डायरेक्ट मैं कहूंगी कि कोई ना खाए, क्योंकि मुझे मेरी डॉक्टर ने यही वर्ड्स बोले थे, तो सेम टू सेम मैंने आप लोगों को वो वर्ड्स बता दिए, ठीक है। चलो जी अब विंटर मास्क की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा मास्क है, आप लोग स्किन को ग्लोइंग कर देगा, फ्रेश कर देगा, और इसके अंदर जो मैदा यूज हो रहा है उसके अंदर ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ब्राइट भी कर रहा है। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग को अपनी स्किन की केयर करनी पड़ेगी, सनब्लॉक लगाना पड़ेगा, रात को भी कोई हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, टोटका भी यूज करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज करनी पड़ेंगी, कभी भी एक चीज से रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्किन अच्छी चाहिए, मेहनत, बाल अच्छी चाहिए, मेहनत, ये अच्छी चाहिए, मेहनत, हर चीज में मेहनत लगती है। चले जी आप लोग देखिए बनता कैसे है, फिर हम इकट्ठे अप्लाई करते हैं। चले जी मास्क बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही आसान मास्क, और इसका रिजल्ट आप लोग को 2 से 3 दफा यूज करने में मिलना शुरू हो जाएगा, इतना अच्छा मास्क है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, और मैं आप लोग के रिव्यू का इंतजार करूंगी। हमें चाहिए एक बनाना, अगर थोड़ा सा गला हुआ ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। एक हमें चाहिए जापानी फल, जिसको हम पर्सिमम भी कह देते हैं, जापानी फल भी कह देते हैं, और कोई और इसका नाम होगा तो मैं इधर लिख दूंगी। और हमें चाहिए 1 टीस्पून भर के मैदा और एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करेगा, आपकी स्किन को पिगमेंटेशन दूर करेगा, जो मैदा है वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, ये ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। और बनाना और पर्सिमम जो है ना, पर्सिमम फाइन लाइंस ख़त्म करता है, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिन लोगों के ड्राई स्किन होती है उन लोगों को आंखों के पास झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लिप्स के पास पड़ जाती हैं, उसको ख़त्म करेगा। और जो बनाना है ना वो मॉइस्चराइजर का काम करेगा, आप लोग की स्किन को फ्रेश रखेगा सर्दियों में, और आप लोग की स्किन बहुत स्मूथ रहेगी, ठीक है। चलो जी मास्क बनाते हैं। सबसे पहले आधा हमें बनाना चाहिए, आधे से भी थोड़ा बनाना चाहिए, और हमें आधे से भी थोड़ा पर्सिमम चाहिए, 1 टीस्पून हमें चाहिए मैदा, और 1 टीस्पून हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमें इतनी चाहिए कि इन सब तीनों चीज़ों को मिला के पेस्ट अच्छी सी बन जाए और हमारे मुँह पर वो लग जाए। चले जी मैं इनको काटती हूँ और फिर आप लोग को पेस्ट बना के दिखाती हूँ। हाँ जी ये देखिए, सबसे पहले मैंने बनाना का एक पोर्शन लेके इसको मैश कर दिया है अच्छी तरह कांटे के साथ। अब मैं एक पोर्शन लूँगी पर्सिमम का, उसको भी इसके अंदर डाल के हल्का सा मैश कर दूँगी, क्योंकि पर्सिमम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला मैंने लिया है, हार्ड वाला नहीं लेना है, फ़ौरन ही मैश हो जाएगा। पर्सिमम ऐड कर लिया है, अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा पर्सिमम का अगर आप लोगों ने मास्क नहीं भी अप्लाई करना, सिर्फ आप देख रहे हैं मास्क और आप लोग अप्लाई नहीं करते, तो आप लोग पर्सिमम वैसे ही खाना शुरू कर दें। मैं कहती हूँ स्किन में बहुत अच्छी चेंज आ जाती है, पर्सिमम खाएं और इसका सिर्फ छिलका मुंह पर रब कर लें,
और 5 मिनट के बाद मुंह धो लें अगर सुस्ती है ना, वरना मास्क तो जो लगा लेगा तो बेहतरीन हो जाएगा। जब मेरा मास्क लगाने का दिल नहीं कर रहा होता, जो भी मैं फ्रूट खाती हूँ उसका छिलका मैं मुंह पे लगा लेती हूँ, जो भी फ्रूट खाती हूँ। प्रोडक्ट्स यूज़ करना अपनी जगह, लेकिन जो फ्रूट्स वगैरह से देसी टोटकों से स्किन फ्रेश होती है ना, खाने से भी और लगाने से भी, वो अलग चीज़ होती है। लोग कहते हैं कि एक ही चीज़ हम बता दें हमें, एक ही चीज़ से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ साथ साथ चलना करना पड़ता है। ये देखें कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया ये। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून हम ये डाल देंगे, और ये यूज़ कर रही हूँ ओरियोर की, इसकी वो भी है फेशियल किट भी है, वो नहीं मैंने यूज़ की अभी। ये हमने 3 पंप डाल दिए हैं, ये मैंने यूज़ किया इसका, ये अच्छा है। एलोवेरा जेल इसकी अच्छी है। जब फेशियल यूज़ करूँगी फिर आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। और हमने इसको मिक्स कर देना है। अब देखिए हमें एलोवेरा जेल की ज़्यादा ज़रूरत है, और हम अब 2 पंप और डाल देंगे, ठीक है। मतलब इस हिसाब से हम लोगों ने एलोवेरा जेल डालनी है। ये स्किन को बहुत अच्छा नरिश कर देता है। चले मैं वाइंड अप करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ लगाती हूँ। इसको उठा लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ रख देते हैं। हाँ जी, अब आप लोगों ने देख लिया है, हम लोगों ने इस मास्क को हाथों के साथ अप्लाई करना है, क्योंकि ड्राइनेस ऑलरेडी हुई होती है तो हम लोग ब्रश नहीं यूज करेंगे। अभी मेरे भी यहाँ पे 2 दाने बने हुए हैं, ये मैंने ये लाइट ऑन की हुई है तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, ये देखें ये दाने बन जाते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। वैसे कोई रिंग लाइट नहीं है, और ये देखें इधर भी, ये देखें ये निशान, ये पिंपल्स, ये सबके ही होते हैं और कभी चले जाते हैं कभी आ जाते हैं। लाइट ऑन कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर नजर आए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आजकल ग्रेपफ्रूट आए हुए हैं, ग्रेपफ्रूट का जूस डेली पी रही हूँ, जो इसकी मैं स्टोरी लगा रही हूँ इंस्टाग्राम पे। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें ना, ताकि जो फ्रूट्स मैं खाती हूँ जूस वगैरह पीती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को साथ साथ अपडेट दूँ, ताकि देख के बड़ा कुछ हो जाता है। अगर मैं किसी की स्टोरी देखूँ और मुझे सुस्ती पड़ी हो, कोई और कर रहा होता, मैं कहती हूँ चलो यार वो कर रहा है, मैं भी उठ के कर लेती हूँ, इतनी भी क्या सुस्ती है गर्दन पे भी। इतना जेंटल ऑन स्किन है ये, एक्नी वाले भी लगा सकते हैं, ऑयली सेंसिटिव सब लगा सकते हैं, आप लोग लगाएं। और मुझे ना इसका फॉरन रिव्यू चाहिए ही चाहिए। अच्छी तरह हम लोगों ने ये मास्क अप्लाई कर देना है। बाकी ग्रेपफ्रूट का जूस लाजमी पिए, ठीक है, बेशक आधा ग्लास पिए, एक ग्रेपफ्रूट का निकाल के पिए, 2 ग्रेपफ्रूट का पिए, 3 का पिए, लेकिन पिए जरूर। मुझे तो पसंद है बहुत ज्यादा, तो मैं 3 का पी लेती होती हूँ। हाँ जी, अब हम लोगों ने मास्क अप्लाई कर दिया है, इतना बच गया है। अगर वीडियो ना बना रही होती तो मैंने हाथों और पाँव पे भी लगा लेना था, लेकिन ना अब मैंने कहा क्या, फिर फोन को हाथ नहीं लगता, फोन सारा गंदा हो जाएगा। अच्छा जी, अब जी हम लोग वेट करेंगे, बहुत ड्राई नहीं करना और बहुत गीला भी नहीं रखना। 10 मिनट में वेट करूंगी और उसके बाद मुंह धोएंगे, फिर उसके बाद एलोवेरा जेल दोबारा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने लोशन नहीं लगाना, इसके बाद हमने एलोवेरा जेल लगानी है, अच्छी तरह लगानी है ताकि गीला गीला मुंह लगे एलोवेरा जेल लगाने से, और एलोवेरा जेल खुद ही ड्राई होगी आपके मुंह पे, आप लोगों ने उसको ड्राई नहीं करना और अच्छी तरह वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। चलिए जी, अब मुंह ड्राई होता है तो फिर मैं वापस आती हूँ। 10 मिनट गुजर गए हैं, अब मास्क हो गया है 80% ड्राई, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह मुंह धो लेंगे, और ये मेरा ग्रेपफ्रूट का जूस है, यहाँ नहीं पीऊंगी वॉशरूम में, बताया आप लोगों ने मुझे बहुत डांट रहे इसलिए मैंने इसको मुंह भी नहीं लगाना, बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये दिखाया है। अब मैं इसको ना बाहर रख के आती हूँ, ठीक है, फिर अगली वीडियो फिर बनाते हैं। देखिए मुझे आप लोगों का कितना डर है कि आप लोगों ने मुझे डांटना है। अब हम जी अपना मुंह धोते हैं, थोड़ा तुमने नीचे होना पड़ेगा, हाँ जी हमने मुंह धो लिया है, अब टिश्यू लेके टैप ड्राई बस, और अब लास्ट स्टेप है हमारा एलोवेरा जेल, ये नहीं भूलना, ठीक है।
तकरीबन इतनी तो लगेगी ही अच्छी तरह मुंह पे। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। चले जी, दैट्स इट। अब हमने इसको इसी तरह ड्राई होने देना है। इसी तरह ड्राई होगी, ये जी हमारा फुल विंटर रूटीन डन हो गई है। हम इसको हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें या 3 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुस्ती नहीं है तो 3 दफ़ा कर लें, अगर सुस्ती है तो 2 दफ़ा कर लें। अगर बहुत ही सुस्ती है तो फ्रूट्स जब खाएं उसके छिलकों को हल्के हल्के सर्कुलर मोशंस में अपनी स्किन पर रब कर लिया करें और खा भी फ्रूट्स लिया करें। अब मैं जूस पीती हूँ। और बाकी जो लोग पूछ रहे थे कौन सा फेस वॉश यूज़ करी है, कौन सा साबुन यूज़ कर रही है और कौन सा स्क्रब यूज़ कर रही है, आजकल साबुन सर्दियों में डव यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और स्क्रब जो यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला यूज़ कर रही हूँ। इसको हमने मुंह पे नहीं यूज़ करना। मुंह पे यूज़ करोगे तो उस वक्त तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में ब्रेकआउट्स हो सकते हैं और ना पिगमेंटेशन भी हो सकती है हाथों पाँव गर्दन। और अगर आप लोगों बॉडी पे यूज़ करना है तो आप लोगों ने इसको बॉडी पे सिर्फ यूज़ करना है, ठीक है। और जी ये मैं आप लोग को एक और भी चीज़ इसकी बताती हूँ, चलो अगली वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, जो हम लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर करेंगे। उसके बाद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ। मास्क ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के रिव्यू का वेट करूँगी। और जी राम रखा।